हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका आयरन गाइड चैनल में। मैं आज आपको क्लास 7 चैप्टर 22.3 का सॉल्व करने जा रही हूँ, जिसका है लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे के समीकरणों का समाधान करें, से हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, एक नंबर का, एक नंबर क्वेश्चन है आपका, 6x = 7। तो इसको सॉल्व करना है और x बराबर 7/6, तो क्या हो गया ये, इसीलिए अभीष्ट समाधान क्या है आपका, 7/6 आंसर। टू नंबर क्वेश्चन है आपका, x/3 = 0 या x = 3×0 या x = 0, इसीलिए अभीष्ट समाधान क्या है हुआ आपका, x = 0 आंसर, ठीक है। अभी 0 कैसा है आपको समझ में आ गया, ये 0 से 3 का गुना हुआ तो 0 आएगा, ठीक है। सॉरी, एक तीन नंबर क्वेश्चन है आपका, 3x = 9, थ्री एक्स इक्वल टू नाइन, ठीक है। अब x बराबर क्या होगा, 9/3, 9/3 ये कट गया 3 बार में, तो x बराबर क्या हो गया, 3। तो अभीष्ट समाधान क्या है, x = 3 आंसर। फोर नंबर क्वेश्चन है आपका, x/3 = 2 या x = 3×2 या ये 3×2 = 6, x = 6, इसीलिए अभीष्ट समाधान क्या हुआ आपका, बराबर x = 6 आंसर। फाइव नंबर क्वेश्चन है आपका, एक का फाइव, 5x - 2 = 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5x = 8, ये 2 इधर माइनस में है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में हो गया, तो हो गया यहाँ पे 5x, 8+2 = 10। अब x बराबर क्या होगा, 10/5, ये कट गया 2 बार में, तो x बराबर क्या हो गया आपका, 2। तो अभीष्ट समाधान क्या है यहाँ पर, x = 2, इसीलिए अभीष्ट समाधान x = 2 आंसर। फाइव नंबर हो गया, सिक्स नंबर की तरफ चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपका, 7y + 5 = 40 या 7y = 40 - 5, ये प्लस में था उधर माइनस में चला गया, या 7y = 40 में 40 में से 5 गया तो कितना हो गया, 35, या वाई बराबर क्या हो जाएगा, 35/7 ही कट गया कितने बार में, 5 बार में, तो वाई बराबर कितना हो गया, 5। तो इसीलिए अभीष्ट समाधान क्या है, अभीष्ट समाधान y = 5 आंसर।
सेवन नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका 12x प्लस 8 इक्वल टू 7x प्लस 28। ये 28 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 12x। अब ये जो x x एक्साइड करने एक्साइड कर लेंगे और ये अंक अंक एक्साइड कर लेंगे जो वर्ड्स है, ठीक है। तब ये 7x इधर क्या है, प्लस में है, तो जब ये इक्वल टू किधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। इक्वल टू ये 28 ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 12 में से 7 गया, कितना हुआ 5। 5x इक्वल टू 28 में से 8 गया था 20। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 20 बाई 5 गया 4 बार में, तो x बराबर क्या हो गया 4, या है ये, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में और लिखोगे, ठीक है, या और इंग्लिश में और लिखोगे, ठीक है। अब तो y बराबर x बराबर कितना हो गया 4, तो इसीलिए अभिष्ट समाधान क्या है यहाँ पे, x बराबर 4 अभिष्ट समाधान है। अभिष्ट समाधान बराबर, सॉरी बराबर नहीं होगा, बारह में मिस्टेक कर दे रही हूँ, आप मत कीजिएगा, x इक्वल टू 4 आंसर। अगर जो कोई मिस्टेक उस्टेक आपको लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको सॉरी आपको कुछ डाउट्स हो तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको फिर से सॉल्व दोबारा करके सब दिखा दूँगी। आपको कुछ समझ नहीं आए वो भी आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन मेरे अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर दे देना एक बार, और जो मेरे स्टडी करवाना पसंद आए तो 6 ब्रैकेट में आपका होगा 7 माइनस 3x, ठीक है। अब ये प्लस 12x इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट में है, जो बाहर वाला अंक है इससे इसका गुना करेंगे, गुना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, तो 6 सत्ते कितना होता है 7 का बार आप 6 बार पढ़ेंगे तो 42 आता है, 42 माइनस 3 3 का बार 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 18x प्लस 12x इक्वल टू 0। अब x x को जोड़ देंगे, ये जो है 18x क्या है माइनस में है, 12x क्या है प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, नहीं पहले हम क्या करते हैं कि x को एक साइड कर लेते हैं, ये अंक को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 18x प्लस 12x इक्वल टू 42 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर चला गया, ये 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस 8x ये प्लस 8x, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 18 में से 12 का माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6x हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तब इक्वल टू 42 हो गया यहाँ पे। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये जब 42 इधर नीचे जाएगा तो ये माइनस प्लस में जाएगा, तो ये कट गया, 6 के पहाड़ा में 42 7 बार में आता है, ठीक है, 6 7 जब 42 होता है, ठीक है। तो x बराबर 7 ये आपका आंसर है इसका। तो यहाँ पर अभिष्ट समाधान क्या है, अभिष्ट समाधान आपका x इक्वल टू 7 आंसर है। अभिष्ट समाधान x इक्वल टू 7 आंसर। नाइन नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 5 ब्रैकेट में आपका होगा एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 फिर ब्रैकेट में आपका होगा 2x प्लस 6 बंद हो गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे या इंग्लिश में और लिखोगे यहाँ आप, यहाँ पर तो यहाँ पे होगा 5x गुना होगा 15 प्लस 4 प्लस 4 सॉरी 4 नहीं होगा, ये भी तो ब्रैकेट के आ गया तो इसको भी इससे गुना करेंगे,
दो का पढ़ा 4 और पढ़ेंगे तो 8x + 6×6 = 24 इक्वल टू 0। अब x x को एक साथ और अंक अंक को एक साथ ठीक है कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 5x है 8x, 8 8 5 13 13x हो गया। अब क्या है 24 और 15 9 39 हो जाएगा। अब इक्वल टू को उधर हम लिखेंगे तो जब ये प्लस में है तो इधर में माइनस में आ जाएगा 39, तो ये 39 हो गया। ये जोड़ दिए और जोड़ने के बाद इक्वल टू को उधर भेज दिए। इक्वल टू को उधर भेजने के कारण ये प्लस में था उधर माइनस में चला गया। अब x बराबर क्या होगा 39/13। अब 13 से 13 का पहाड़ा में आता है 39 कितने बार में, तो 3 बार में आता है। तो ये हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया -3। तो अभीष्ट समाधान इसीलिए अभीष्ट समाधान आपका होगा x इक्वल्स टू -3 आंसर। टेन नंबर आप अपने सामने बुक रख रही क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ आएगा ये क्या है क्वेश्चन में। और जो कुछ नहीं समझ आया तो मुझे आप कमेंट बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से ये दोबारा रिवाइज करवा दूँगी ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है 3 (6 - 2x) फिर इक्वल टू 4 (1 - 5x) अब इसको कर लेंगे गुना। तो 6 6 18 का हो गया ये 6x इक्वल टू 4 - 20x ठीक है। अब 18 अब क्या करिए अंक अंक एक्स एड और एक्स 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 एड हो जाएगा तो -6x ये इधर प्लस में आ जाएगा क्योंकि उधर माइनस में है 4, यदि ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। या अब 6x ये 20x तो क्या हो जाएगा घटाने के बाद आपके यहाँ पे 14 हो जाएगा माइनस ये माइनस ये प्लस है तो ये माइनस ही होगा ये दोनों, तो क्या हो जाएगा आपका 14x बट 4 में से 18 गया तो कितना आएगा आपका 4 में से 18 जाएगा तो आपका 4 है 14 आएगा -14 आएगा क्योंकि इसमें से 4 में से 18 घटा छोटा अंक से बड़ा अंक घटाने से यहाँ माइनस में आ जाता है ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा -14/14 कट गया ये 1 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो अभी समाधान क्या है अभीष्ट समाधान इक्वल टू माइनस 1 आंसर।